मोहाड़ी तहसील के करडी गांव में किसान वर्ग लोड शेडिंग के चलते खेतों में लगे फसल को मोटर के माध्यम से पर्याप्त पानी नहीं मिलने से फसल सूखने लगी है, जिससे किसान वर्ग को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। सभी किसान त्रस्त होकर करडी के सरपंच और माजी जिला परिषद सदस्य महेंद्र शेंडे के नेतृत्व में करडी पावर हाउस के आगे अपनी मांग पूरी करने के लिए रास्ता रोको आंदोलन कर रहे हैं। मोहाड़ी तहसील के करडी गांव के आसपास के गांवों को लोड शेडिंग के चलते पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से खेतों में लगे फसल मोटर के माध्यम से पानी नहीं मिलने से बर्बाद हो रही है, जिससे किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। इसी के चलते करडी गांव के सरपंच और माजी जिला परिषद सदस्य महेंद्र शेंडे इनके नेतृत्व में करडी पावर हाउस के आगे बड़ी संख्या में किसान वर्ग एकजुट होकर रास्ता रोको आंदोलन किया। वहां पर MSEB विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहां पर किसानों ने जो मांग की उसकी पूर्ति वरिष्ठ अधिकारी को बताकर मार्ग निकाला गया। भंडारा से NBCN न्यूज के लिए सुरेंद्र चिंधालोरे की रिपोर्ट। महावितरण आणि राज्य सरकार कास्तकारांकडे कानाडोळा करत आहे। जो कास्तकारांना न्याय आधी सांगितलं होतं की बा आम्ही 8 ते 10 तास तुम्हाला विद्युत कंटिन्यू देऊ, परंतु आज शेतीमध्ये जाऊन पहा कास्तकारांची कशी अवस्था झाली आहे। जो शेतपीक लावलेला आहे कास्तकारांनी, जे कर्ज घेऊन त्या ठिकाणी आज धानाचा ऊसाचा आणि भाजीपाल्याचा पीक घेण्यासाठी शेतामध्ये लागवड केली आहे, परंतु तो पीक आता घरी आणतील की नाही आणतील याची आज अवस्था आज दिसत आहे। म्हणून सर्व कास्तकार करडी आणि मुंडी परिसरातील संपूर्ण कास्तकार शेतकरी बांधव या ठिकाणी ये जमलेले आहेत की आम्हाला 8 ते 10 तास कंटिन्यू आम्हाला विद्युत आम्हाला शेतीसाठी पाहिजे आहे, ही आमची मागणी आहे। माननीय कार्यकारी अभियंता यांच्यावरून दूरध्वनीवरून बोलणं केल्यानंतर त्यांनी असं कळवलं की जो लोड शेडिंगचा जो टायमिंग व्हायचा त्याच्यामध्ये आपण 8 ते 10 तास जो काही त्यांना अगोदर सुरळीतपणे आपण देत होतो त्याच पद्धतीनं देऊ असं त्यांनी सांगितलं।